हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन में जो आज हम एल्गी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीसाइफोनिया और ये एक रेड एल्गी है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, पॉलीसाइफोनिया बहुत सारे साइफन से मिलकर बनी होती है। रेड एल्गी है, मैराइन एल्गी है और ये एक क्लास रोडोफाइसी को बिलोंग करती है। इसकी यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो एल्गी, क्लास रोडोफाइसी और उसका सब क्लास है एक फ्लोरिडी, क्योंकि फ्लोरिडी जो वर्ड आया है वो एक फ्लोरिडी स्टार्च से आया है जो इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरिडी मतलब क्लास रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसलिए इसको सब क्लास फ्लोरिडी में रखा गया है। ऑर्डर इसका सेरेमियलीज है, CEREMIALES सेरेमियलीज, और जो उसकी फैमिली है वो रोडोमिलेसी है, RHODOMELACEAE रोडोमिलेसी, क्योंकि जो फैमिली के अंदर वर्ड आता है वो AC वर्ड आता है और जो मेंबर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया जैसे बताया अभी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें बहुत सारे साइफन्स से मिलकर बना होता है। साइफन्स का मतलब बहुत जैसे ट्यूब, बहुत ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आपस में एक स्पेशल टाइप के कनेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिट कनेक्शन। आइए इस बात करते हैं इसके अकोरेंस की। पॉलीसाइफोनिया एक बहुत बड़ा जीनस है, मतलब जिसकी लगभग 200 जातियां पाई जाती हैं, 200 स्पीसीज पाई जाती हैं। इंडिया में इस जीनस की लगभग 16 स्पीसीज तो पाई जाती हैं जो दक्षिण तथा पश्चिमी समुद्र के तटों पर पाई जाती हैं। कुछ फेमस इंडियन स्पीसीज जैसे पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया है, पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा तथा पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा है। अधिकांश जातियाँ लीथोफिटिक है, मतलब जो किस पथरीले चट्टानों पर पत्थर पर पाई जाती हैं, सैलोविद इनको हिंदी में बोलते हैं, जबकि कुछ जातियाँ इसकी एपिफिटिक भी होती हैं जो अन्य प्लांट्स तथा दूसरे एल्गी पर उगती हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया मैनग्रूव्स की जड़ों पर उगती हैं, जो मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों पर भी उगती है, यानी कि जो लबड़ों भी स्पीसीज होती हैं उन पर भी उगती है। कुछ प्रजातियां अधिकांश जैसे पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजेटा जो एस्कोफाइलम नोडुसलम प्लांट होता है उस पर तथा फ्यूकस पर सेमी पैरासाइट भी, यानी कि इसमें जो कुछ जातियां होती हैं वो सेमी पैरासाइट भी हैं, जबकि जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन जो पॉलीसाइफोनिया की कुछ जातियाँ हैं वो पैरासाइट भी है, बल्कि सेमी पैरासाइट है। इसको भी ध्यान रखने की वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पर कि जो एक तो सिफिलोरस एल्गी ऐसी एल्गी है जो पैरासाइट है जो रेड डस्ट ऑफ टी कॉज करती है, इसके अलावा पक्सीनिया की भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो सेमी पैरासाइट हैं। अब देखते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर को। क्योंकि रेड एल्गी है तो उसका जो अपीयरेंस दिखाई देता है पर्पल रेड सा दिखाई देता है, क्योंकि फाइकोराइथिन और फाइकोसाइनिन का जो कंपोजिशन होता है इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो फाइकोसाइनिन और फाइकोराइथिन होते हैं, इस कारण से वो रेड पर्पल कलर की एल्गी दिखाई देती है। थैलस फ्लामेंटस रेड अथवा बैगनी कलर के होते हैं। थैलस मल्टी एक्सियल होता है तथा सभी सेल्स पिट कनेक्शन द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे जो साइफन्स होते हैं आपस में पिट कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है वो पॉलीसाइफोनिया दिया गया है। जो ब्रांचिंग जो हो सकती है वो ब्रांचिंग के कारण जो थैलस की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, इसमें ब्रांचिंग होती है और ये भी हिटरोट्राइकस होता है, एक प्रकार से थैलस हिटरोट्राइकस होता है तथा जो बेसल प्रोस्टेट सिस्टम तथा इरेक्ट एरियल सिस्टम में डिवाइड होता है। एक तो उसमें प्रोस्टेट सिस्टम होता है जो जमीन के सहारे ग्रो करता है और एक इरेक्ट सिस्टम होता है। इसका कार्य जो होता है वो थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ना होता है।
पेरिनेशन है, मतलब इसको चिरस्थायी बनाना, काफ़ी लाइव करना। सारा पार्ट गल भी जाए, यदि रूट्स वाला पोर्शन है तो फिर से सर्वाइव कर जाता है। पॉलीसाइफोनिया की अनेक जातियों में जैसे पॉलीसाइफोनिया निग्रेसेंस में प्रोस्टेट सिस्टम वेल डेवलप होता है तथा मल्टी एक्सियल स्ट्रक्चर वाला होता है। कुछ प्रजातियों में जैसे पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा तथा पॉलीसाइफोनिया वायोलेसिया में मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम एब्सेंट होता है। प्लांट आधार से निम्न प्रकार जुड़े जाते हैं, जब उसमें प्रोसेस सिस्टम नहीं होगा तो आधार से जुड़ने के पास उनके पास क्या तरीके हैं उनको देखें। यूनिसेलुलर डेंसली जो ब्रांच्ड राइजोट से मल्टी एक्सियल सिस्टम निकल सकता है, और इरेक्ट सिस्टम से निकलने वाले राइजोट द्वारा जो एक जो डिस्क होती है अटैचमेंट डिस्क अथवा होल्ड फास्ट भी बना सकते हैं, जिसे हम हेप्ट्रोन कहते हैं। मतलब होल्ड फास्ट भी बन सकता है, अटैचमेंट डिस्क भी हो सकती है और प्रोस्टेट सिस्टम भी हो सकता है। यूनिसेलुलर राइजोट से जो प्रोस्टेट सिस्टम से समूह में निकलते हैं होते हैं, जिसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा। तो इसका हम स्ट्रक्चर भी देखें, इनके सिस्टम को हम देखें कि दो प्रकार के सिस्टम से पाए जाते हैं। हेटरोट्राइकस होता है, देखिएगा ये वाला पोर्शन जो मेन एक्सिस का है, से ब्रांचेस निकल रही हैं, इरेक्ट ब्रांचेस हैं, ये मेन एक्सिस का है जो ट्राइकोब्लास्ट कह रहे हैं इनको ये। और इस दोनों सिस्टम को देखें तो ये वाला सिस्टम जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ज़मीन के सहारे ग्रो कर रहा है, और इससे ये प्रोस्टेट सिस्टम है, और इससे इस प्रकार से ये राइजोट्स निकल रहे हैं। हेप्ट्रोन हो सकता है, राइजोडल राइजोड्स हो सकते हैं, अटैचमेंट डिस्क हो सकती है। ये पूरी जो प्रोस्टेट सिस्टम है इससे ऊपर की ओर जो ब्रांचेस निकलेंगी ये हैं इरेक्ट सिस्टम। तो इस प्रकार जो पॉलीसाइफोनिया का थैलस है, हेटरोट्राइकस है, प्रोस्टेट सिस्टम तथा प्रोस्टेट राइजोडल सिस्टम और इरेक्ट एरियल सिस्टम में डिवाइड होता है, हेटरोट्राइकस होता है। अति हम अब इरेक्ट एरियल सिस्टम को देखें, उसको डिस्क्राइब करें इरेक्ट एरियल सिस्टम को। तो जो ये जो सिस्टम होता है वो प्रोस्टेट सिस्टम से निकलता है, यह है मल्टी एक्सियल ब्रांच फिलामेंट का बना होता है। मेन एक्सिस तथा जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है एक जैसा होता है। ये बेलनाकार सेल्स के केंद्रीय बड़े तंतु, यानी कि हम इसके बीच में तो जो साइफन होंगे उनको हम सेंट्रल साइफन बोल रहे हैं, सेंट्रल साइफन का बना होता है, और सेंट्रल साइफन अनेक पेरिसेंट्रल साइफन से घिरा रहता है। तो बीच में होगा वो सेंट्रल साइफन होगा, और उसके चारों तरफ पेरिफेरी की तरफ जो होंगे वो पेरिसेंट्रल साइफन होंगे। पेरिसेंट्रल साइफन की संख्या विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है, और जो सेंट्रल और जो पेरिसेंट्रल साइफन होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। अतः नोड्स तथा इंटर नोड्स में विभाजित दिखाई देता है, अतः जो तंतु हैं वो कैसे नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड दिखाई देते हैं इस प्रकार से। प्रत्येक पेरिसेंट्रल साइफन सेंट्रल साइफन से पिट कनेक्शन द्वारा जुड़ा रहता है। और सेंट्रल सेल की से वो सेंट्रल सेल भी पेरिसेंट्रल साइफन द्वारा जुड़े रहते हैं, पिट कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। तथा जो कंप्लीट थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीसाइफनस होता है, इसीलिए इसको पॉलीसाइफनस कहा गया। देखिएगा इस प्रकार से ये जो सेंटर वाले होंगे साइफन, ये हैं वो पीछे वाले ये सेंट्रल साइफन, और इसके साइड से लगे हुए ये पेरिसेंट्रल साइफन, ये सब सब पेरिसेंट्रल, और आपस में जो ये कनेक्शन देख रहे हैं हम लोग, ये कनेक्शन जो है वो
की जो कनेक्शन है वो पिट कनेक्शन है, सेंट्रल साइफन पेरिसेंट्रल साइफन और जो आपस में साइफन से जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं पिट कनेक्शन द्वारा। अब इसका टीएस की फॉर्म में इसको हम देखेंगे, अगर टीएस का फॉर्म देखें तो ये देखिएगा बीच वाला ये जो साइफन है इसे हम बोल रहे हैं सेंट्रल साइफन, ये सेंट्रल साइफन है और जो इसके इसको घेरे हुए हैं ये सब क्या हैं पेरी सेंट्रल साइफन, ये वाले सारे जो साइफन्स हैं पेरी सेंट्रल साइफन है और बाहर की तरफ जो ये सेल्स लगी हैं ये कॉर्टिकल सेल्स हैं, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स, ये कॉर्टिकल सेल ये पेरी सेंट्रल साइफन और ये सेंट्रल साइफन। देखें अब इसकी हम ब्रांचिंग को देखें, जो पॉलीसाइफोनम जो ब्रांचिंग का तरीका होता है कितने प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है, कौन कौन सी ब्रांचिंग देखें, ब्रांचिंग का हम तरीका देखें तो पॉलीसाइफोनम के थैलस में दो प्रकार की ब्रांच होती है, एक तो जो होती है ट्राइकोब्लास्ट होती है लघु शाखाएँ कहते हैं और या एक लॉन्ग लेटरस हो सकती हैं, लॉन्ग लेटरस होती हैं जो यूनिएक्सल होती हैं और जो ब्रांचिंग है वो एपेक्स की जो एपिकल सेल है उससे दो से पांच सेल्स के नीचे स्थित कोशिका से आरंभ होती है, जो ब्रांचिंग स्टार्ट होगी वो एपिकल सेल से करीब दो से पांच सेल्स को छोड़कर तब स्टार्ट होगी। तो ये और ये दो प्रकार की ब्रांचिंग लॉन्ग और शॉर्ट ब्रांचेस का पाया जाना थैलस में सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफन का पाया जाना ये एलएस में दिखाने की कोशिश की गई है और ये टीएस में दिखाने की कोशिश की गई है और पॉलीसाइफोनिया का जो सिस्टम है हेटरोट्राइकस सिस्टम का होना ये सब अभी हमने देखा, इसका अकुरेंस के बारे में बात की और अभी हम थैलस स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, थैलस स्ट्रक्चर में हम ब्रांच तक हमने पढ़ लिया जो ब्रांचेस तक हमें, इसके बाद इसके जो आगे की जो ब्रांचेस की टाइप हैं वो और किस प्रकार इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।